अली को मोहम्मद आरिफ बिन निकाह में देता हूँ, क्या आप कबूल करते हैं? कबूल है यार, मुस्कुरा के कबूल कर मानता हूँ मैं, ऐसे नहीं मानता। कबूल अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सो गाइस, आज जो ना मैं आपको कई चीज़ें ऐसी दिखाने वाला हूँ, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊँ पीछे का सेटअप क्या कुछ चल रहा है इस रूम के अंदर। और ये देखो, इतना ज़्यादा कबाड़ा भरा पड़ा है गाइस कि मतलब मैं क्या बताऊँ आपको। क्योंकि दरअसल बात ये है कि हमारा जो ऊपर वाला फ्लोर है ना, उस पर काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। तो अभी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक तो 3 दिन वो काम होना था, लेकिन अभी कई दिन हो चुके हैं अनफॉर्चुनेटली। तो अभी काम चल रहा है, उसकी वजह से इतनी गंदगी और बहुत ही अजीब सा माहौल बना पड़ा है। देखो आप चेयर कहाँ पर रखी हुई है, और इसी की वजह से मैं वीडियो शूट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। और अभी जो है ना, वो इंशाल्लाह भी दो तीन दिन में इंशाल्लाह काम निपट जाएगा। तो सारी सफाई तब करनी है, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा धूल आ गई है ना गाइस, हर चीज़ में धूल आ रही है घर में, सारे सामानों में। आज से फिर से क्लासेस स्टार्ट हैं, आज सैटरडे का दिन है। तो अभी मैं क्लासेस जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, मैं ये सोच रहा हूँ। क्योंकि अभी दूसरा मसला ये है कि आज मेरे बहुत करीबी दोस्त की शादी है, तो आज वहाँ जाना है और उसके लिए थोड़ा सा तैयार भी होना पड़ेगा। तो अभी मैं सोच रहा हूँ मैं क्लास आज ना जाके वहीं चला जाऊँगा इंशाल्लाह। अभी मैं आपको थोड़ा सा और दिखाता हूँ अंदर क्या हालत हुई पड़ी है घर की। ये देखिए कपड़े उपड़े सारे के सारे, अब आप पीछे देख रहे होंगे ये कैसी कैसी पोटली वगैरह पड़ी है। तो आज मैं आपको क्लियरली दिखा रहा हूँ। अभी सोफे के ऊपर देखो तो गाइस, ये मेरा कैमरा रखा हुआ है। तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं आज कैमरा लेकर जाऊँगा शादी में, क्योंकि आज अगर मैं कैमरा शादी में ले गया ना, तो शादी का कैमरामैन मैं ही बनूंगा। लेकिन दोस्त की रिक्वेस्ट थी, तो उसकी वजह से लेकर जाना पड़ रहा है मुझे। लेकिन अभी मैंने जब बैग को देखा ना, तो उसमें इतनी धूल आई पड़ी है। देखो, मुझे नहीं पता इसमें कैमरे में दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा होगा क्लियरली, लेकिन बहुत डस्ट आई पड़ी है। बैग ऐसा हो रहा है जैसे मैंने सालों से इस्तेमाल नहीं करा। अभी मैं इस कैमरे को ना चार्ज कर लेता हूँ, क्योंकि उनकी रिक्वेस्ट थी कि कैमरा लेकर आना। तो मुझे बैटरी शायद थोड़ी डाउन होगी, इसको चार्ज कर लेता हूँ, चार्जिंग पर लगा देता हूँ। क्योंकि अभी टाइम है शादी में, अभी तकरीबन 2 बज रहे हैं दोपहर के, और हमें जाना है शाम में 5 या 6 बजे तकरीबन। तो अभी मैं चार्जिंग पर लगा देता हूँ, उसके बाद में तैयारी करेंगे। सो गाइस, अभी आप ना कंप्यूटर भी देख सकते हो, कंप्यूटर भी इतना ज़्यादा डस्ट में फैला पड़ा है और अजीब सी इसमें डस्ट आई पड़ी है। देखो सो गाइस, अभी मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूँ, ऊपर का नज़ारा देखते हैं कि अभी ऊपर कितना काम हो गया और क्या क्या चल रहा है। सो गाइस, अभी आपने जैसे कि ऊपर का नज़ारा देखा, और काफ़ी सारा सामान कुछ भी कहीं भी पड़ा हुआ, लिटरली सारा का सारा फैला पड़ा हुआ है। इसकी वजह से मुझे कपड़े वगैरह चेंज करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और क्योंकि कुछ चीज़ें बड़ी दबी पड़ी हैं आपस में। और इवन कि आप मेरे बाल अगर देखोगे तो बाल भी बहुत ज़्यादा सॉलिड हुए पड़े हैं, और इसमें पता नहीं क्या क्या राउंड हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो खैर, अभी अपनी भी और घर की भी बड़ी हालत सी ख़राब हो रही है। तो आज काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है मेरा तैयार होना शादी के लिए, लेकिन देखते हैं इंशाल्लाह क्या करना है, कैसे करना है। इसलिए वजह से मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा, तो अभी शाम में इंशाल्लाह मिलते हैं। सो गाइस, अभी 5 बज चुके हैं शाम के, और अभी मैं थोड़ा बहुत तैयार हो जाता हूँ। हालांकि अभी पता नहीं क्यों बहुत थका वका सा लग रहा हूँ मैं, है ना। और राइट गाइस, सुबह मैं नहा के आ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और नहाना इतना चैलेंजिंग था, क्योंकि ऊपर ना काम चल रहा है, तो अभी वॉशरूम और बाथरूम के बाहर भी टाइल्स वगैरह लग रही थी, तो थोड़ा मुश्किल था अंदर जाना फिर वापस आना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका मिल गया और मैं नहा लिया जल्दी से। तो अभी ना मैं तैयार हो गया हूँ, और मैंने वाइट शर्ट डाली हुई है और नीचे पैंट है ब्लू कलर की। तो मेरा जो इरादा था, वो असल में मैं खुद कंफ्यूज था मैं आज क्या पहनने वाला हूँ, लेकिन अपने दोस्तों से सबसे पूछा मैंने, तो किसी ने कुछ भी नहीं बताया हमें लिटरली कि हम लोग क्या पहनने वाले हैं, शायद वो छुपा रहे या अल्लाह आलम। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी तो मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि अचानक से आज कोट ही पहन लूँगा इंशाल्लाह। सो गाइस, ये ब्लू कलर का कोट मैंने डिसाइड करा है कि आज मैं यही पहनूंगा इंशाल्लाह। वैसे भी अभी 6:45 बज चुके हैं, और 5-6 बजे मुझे जाना था, क्योंकि खास दोस्त की शादी में तो बिल्कुल एंड टाइम तो नहीं जा सकते ना। तो अभी 6 बजने वाले हैं, तो अभी तैयार होकर जल्दी से निकलते हैं यहाँ से इंशाल्लाह। और असर की नमाज़ अभी नहीं पढ़ी है, तो नमाज़ असर पढ़ के यहाँ से निकलूँगा इंशाल्लाह। तो
गाइस आप बताना कि मेरे पर ये कोट कैसा लग रहा है, और ये कलर जो मैं ना डिसाइड करता क्योंकि अक्सर दफ़ा मेरे जो कपड़े हैं ना वो ब्लू कलर के बहुत ज़्यादा हैं मेरे पास। तो किसी ने पूछा भी था कि क्या आपका ब्लू कलर फेवरेट है, फेवरेट तो असल में नहीं है लेकिन सेकेंडरी बोल सकते हैं, प्राइमरी तो मेरा रेड कलर है। तो अभी मैंने ब्लू कलर को डिसाइड किया था। और नदीम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, ये लेकर आ गए मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आरिफ भाई के घर पे फिलहाल तो घर पे आ गए हम, और घर से ही जाएंगे इंशाल्लाह, सारे लोग दोस्त वगैरह तैयार होके। कैसे भी तैयार करें आरिफ भाई को, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अभी तैयार नहीं हुए। का टाइम भी हो गया तो मैं सुबह में नमाज पढ़ रहा हूँ, और जब तक तैयार हो जाएंगे, सो ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं बिल्कुल। सो गाइस अभी वापस आ गए हैं नमाज पढ़ने के बाद में, और यहाँ पर ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, चेहरा दिखाओ थोड़ा। सो गाइस अभी हम जा ही रहे हैं, निकल रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है तो अभी निकल ही रहे हैं सब लोग। वालेकुम अस्सलाम, कलर कितने मैच कर रहे हैं हमारे यार। पहले आप बैठें। सो गाइस मैं वैसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद बहुत देर हो जाएगी निकलने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सही है, और अभी 8 बजे हैं शायद, है ना। हाँ तो निकल चुके हैं, और अभी इनको ना काफ़ी ज़्यादा हैवी सा हो रहा था, इतना सारा सहरा वगैरह फूल वूल सारे भी हटा दिए कुछ टाइम के लिए। सो गाइस हम पहुँच चुके हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह। एक्साइटमेंट हो रही है या फिर नर्वसनेस हो रही है, पहले तो ये होता है। तो एक्साइटमेंट हो रही है, देख रहे हो कितना सच बोलते हैं मतलब। तो ये समझ नहीं आ रहा स्टेज का करना क्या है, ये हटेगा आदमी कहाँ बैठेगा, हम भाई तो ये तो मैं खुद कंफ्यूज, सब नीचे बैठते हैं। यार इनको भी आइयो, आ इधर को, यहाँ को देख पंखे का। अर्शी बिनते शेर अली को मोहम्मद आरिफ बिन मोहम्मद इरशाद के अक़्द निकाह में देता हूँ, क्या आप कबूल करते हैं? कबूल है यार, मुस्कुरा के कबूल कर मानता हूँ मैं, ऐसे नहीं मानता। कबूल है, निकाह करता हूँ मोहम्मद आरिफ के साथ, क्या आप कबूल करते हैं? कबूल करता हूँ। शादी वाली मुस्कुराहट नहीं आ रही है, कबूल कर। हाँ अब आइए। पते डाल दे जिसके बाद नारा मेरी निकाह हो चुका है अभी, इतनी खुशी। फाइनली हम खाना खाने जा रहे हैं, और रात के 11:30 बज चुके हैं, तो फाइनली चलते हैं। हम पहुंच चुके हैं खाने के टेबल पर, चलो हम बाद में खा लेंगे। कितने काले लग रहे हो तुम सारे, सही में। अच्छा भाई यू आर बीइंग रिकॉर्डेड। अच्छा लिया भाई मैंने, पता लगेगा क्या हुआ।
तो कैसे भी हमने खाना वाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 12 बजे गए आई थिंक, क्योंकि 11:30 बजे हम खाना खाने गए थे। खाना वाना खा के सब लोग बिल्कुल निपट चुके हैं। आप पीछे देख सकते हैं इधर इधर भी और इधर भी देख सकते हैं कि काफ़ी क्लीन हो चुका है सारा मामला। सब लोग जा चुके हैं काफ़ी हद तक। रात के भी तकरीबन 12:30 बज रहे हैं और सभी लोग ना मेहमान वगैरह तो जा चुके थे, लेकिन अभी जो खास खास लोग हैं टेंट में सब लोग हम वही सब बचे हुए। पीछे अगर आपको नज़र आ रहे हों यहाँ पे कहीं पे आरिफ भाई तो यहाँ पे होंगे, दूल्हे बनिए बैठे हैं। और भी एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखो सारे के सारे ब्लैक कपड़े पहन गए आज, पता नहीं क्या ये लोग दूल्हे के खास हैं लोग। नहीं सामान भी उठाएंगे दोनों, इसीलिए सामान उठाने के लिए पहन गए, क्योंकि काले कपड़े पहना दिखेगा नहीं अगर कुछ लगभग गया ना, तो इसलिए पहन गए हैं ताकि चमके ना। सो गाइस अभी ना काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, तकरीबन 1:15 बज रहे हैं। तो अभी हम वापस जा रहे हैं और शादी वादी हर चीज़ निपट चुकी है। अंदर अभी आरिफ भाई बैठे हैं तो उनको शायद और भी ज़्यादा रात हो जाती है, 2 या 3 बज जाएंगे उनको शायद। तो अभी हम सब लोग जा रहे हैं और अभी व्लॉग को करते हैं एंड। जज़ाकअल्लाह खैर फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यही दूल्हे है मदीना देखो एक बार, यही दूल्हे है मदीना देखो एक बार, यही दूल्हे है मदीना देखो एक बार, बस एक बार, बस एक बार।